आपको कोई डाउट था ना कि नहीं नहीं गाय के साथ तो क्रुएलिटी सिर्फ अमेरिका में होती है, भारत में कहाँ? भारत में तो गाय माता है, भगवान है, भाई देख लो। इसलिए मैं नहीं दूध पीता, तो मुझसे लड़ते हो? तो आप आओ, गौ सेवा करो, आपको रोका है किसी ने? मैं अभी रात आया हूँ यहाँ से ना, मैं कल से फ़ोन आ रहा था, एक गाय जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, वो लेटी हुई है। अब हमारी क्या पॉलिसी है कि हम लेटी हुई गाय नहीं लेते, क्योंकि इनके सर्वाइवल चांसेस ना के बराबर होते हैं। प्लस हमारे पास डेड बॉडी डिस्पोजल का कोई प्रावधान नहीं है, सरकार की तरफ से भी कोई प्रावधान नहीं है। तो एक और कॉम्प्लिकेशन ये है कि इसका छोटा बछड़ा भी है, तो हम लोग उस बछड़े को तो फिलहाल तो ले जाएंगे, पर हमारे पास उसको अडॉप्ट करने की जगह नहीं है। खैर, डॉक्टर अंकित क्या कर रहे हैं, इसको पेन किलर दे रहे हैं, DCR दे रहे हैं, ये उठने की कोशिश कर रही है। अब हमें नहीं पता इसके कूल्हे में चोट लगी हुई है या इसकी हड्डी टूटी हुई है। डॉक्टर अंकित का कहना ये है कि वो चेकअप तभी होगा जब ये थोड़ा उठेगी। ये रेयर सीन है कि किसी की शॉप के आगे इसको जगह मिली हुई है, इसको बेडिंग दी हुई है, लोग इतने इकट्ठे हो रखे हैं। यूजुअली तो लोगों को होता है कि अरे अरे हमारी दुकान के आगे से हटाओ, गोबर है, स्मेल आ रही है। लोग इसका ध्यान रख रहे हैं, इसको हल्दी वाला दूध भी पिलाया है। जितने भी आवारा पशु है ना, उनके लिए पंचायत तो कोई बंदोबस्त क्यों नहीं करती है? दो साल बनाई नहीं है सरकार ने। आपको क्या लग रहा है कि वहाँ पे बड़ा इनको 5-स्टार ट्रीटमेंट मिल रहा है? ये यहाँ पे मर रही है, वो वहाँ खजिया गौशाला में मरेगी, आपको नजर नहीं आएगी। अगर आपको कुछ करना है तो प्रधान साहब को कहो कि जो लोगों ने गाय पाल रखी है उन्हें छोड़ने की दे रहे हैं। पंचायत खुद जितनी पंचायत तो है नहीं है कि वो खुद इतना खर्चा उठा सकती है। मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ खर्चे की, आप मुझे आप करो, बंदे हो, जगह हो। हम बछड़ा खोजने जा रहे हैं, मैं और रविंदर। इतना क्यूट है, अब ले जा हम इसको रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हो सड़क कितनी बिजी है, यहाँ पे रहेगा तो इसका सर्वाइवल तो खैर क्या ही है। ठीक है, सीधा आके पास हम यहाँ पे आए हैं, तो हो सकता है ये उठ जाए, अगर उठ गई तो हम इन दोनों को ले जाएंगे। हमने इस समय बच्चे को माँ से इसलिए दूर किया हुआ है कि हम नहीं चाहते वो इसका दूध पिए, ये ऑलरेडी वीक है और वीक हो जाएगी। बछड़ा जो है सड़क पर मर जाएगा। हमारा क्लिनिक है, हमारी गौशाला नहीं है, अब उसको ले हट जाएंगे हम। मीनवाइल आप लोग उसका इंतजाम करो। यहाँ पे जो सरकारी तंत्र है उससे भी तो कोई बात करे, हम तो गैर सरकारी संस्था है, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, आप समझ रहे हो? जैसे आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी नहीं है। अब हम जा रहे हैं वापस धीरे धीरे, तो बछड़ा है पीछे। क्योंकि क्या हुआ राधा, क्या सोच रहे हो आप? मैं यही सोचती हूँ कि जैसे नॉर्मल है ना, तो हम ऐसे फिर इन्फेक्शन की वजह से जब वो कुछ हो जाता है तो फिर राधा का कंसर्न वैलिड है कि भाई बछड़ा अच्छा खासा है, आप इसको क्यों ले आए हो? यहाँ पे इन्फेक्शन होने का खतरा है। चक्कर ये है, वहाँ पे उसको ट्रैफिक से खतरा है, माँ इसकी लेटी हुई है, तो खतरा हर जगह। मैं उनको बता के लाया हूँ कि यहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा है। वैसे भी व्हाइट हाउस में हम रख रहे हैं, व्हाइट हाउस है शिवानी के पेरेंट्स का घर। हाँ मैं बोलूँगी आप लाए तो आपके पास ही छोड़े, रवीना लाई तो रवीना के पास छोड़े, अब जो भी लाएगा जो मतलब ठीक है उसी के पास छोड़ा करूँगी मैं। हाँ, दैट इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट भाई। हाँ, जिसने देखा है और उसको रेस्क्यू करने का शौक है तो फिर वो अपने घर रखे, हम भी रखे रहे हैं। मतलब एक्सेप्ट मैं अपने इन लॉज के घर रख रहा हूँ, मैं दहेज नहीं लिया था तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ले देखे ना, एक बात मेरी समझ में आ गई कि हमारे देश में स्त्रियों की हालत बहुत खराब है। हम बहनों की बात करें तो भाई उनकी शादी के लिए दहेज देना पड़ता है, और अगर हम माता की बात करें तो उसको तो कोई पैसे लेके भी रखने को तैयार नहीं है।